दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने खौफनाक बल्लेबाजी कर लगाई लंका के खेमे में भीषण आग। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद अब अंतिम मुकाबले में क्लीन स्वीप की तैयारी करते हुए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने विरोधी गेंदबाजों की इस कदर पिटाई की जिसके बाद तो विरोधी गेंदबाजी भी सर कटाने के लिए तैयार हो गए। तो वहीं अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने 18 रन का पीछा कर एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिरकार कैसे अंतिम ओवर में 18 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या ने जीत दिलाई ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले 2 मुकाबले भारतीय टीम ने जीत लिए हैं। ऐसे में अंतिम मुकाबला तिरुवनंतपुरम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में एक बार फिर से विरोधी टीम के कप्तान दासून शनका ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने शुरुआत की, तो वहीं दूसरी तरफ अविष्का फर्नांडो और नवांदु फर्नांडो ने पारी की शुरुआत की। हालांकि एक बार फिर से दोनों सलामी बल्लेबाजों को भारतीय टीम ने जल्द पवेलियन को भेज दिया, जहां पर श्रीलंका की तरफ से अविष्का फर्नांडो 2 और नवांदु फर्नांडो 4 रन बनाने के बाद एक ही ओवर में मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए, जहां पर दोनों बल्लेबाज LBW आउट हुए। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए कुशल मेंडिस और धनंजय मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाल लिया। इसी बीच अपना अर्धशतक दोनों बल्लेबाजों ने 18 ओवर में पूरा किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजी की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोबारा से देखने को मिली, जहां पर दोनों बल्लेबाज अपना शतक 35 ओवर तक लगा चुके हैं। ऐसे में धनंजय ने अपना विकेट अगले ही ओवर में गेंदबाज कुलदीप यादव को 102 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर दे दिया, जिसके बाद दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस भी 106 रन बनाकर अगले ओवर में मलिक की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद कप्तान दासून शनका ने टीम को संभाला। इस बीच श्रीलंका अभी ना खाता खोले ही मलिक की रफ्तार के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसे में बल्लेबाजी करने वानिंदु हंसारंगा मैदान पर आए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला और जहां पर वानिंदु हंसारंगा ने 55 और दासून शनका ने 75 रन की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने 50 ओवर में 362 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर मोहम्मद सिराज और मलिक ने 2-2 विकेट हासिल किए, तो वहीं कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। ऐसे में 363 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने के लिए आए, तो वहीं गेंदबाजों की तरफ शुरुआत गेंदबाज करुणारत्ने ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। इस बीच ईशान किशन ने ताबड़तोड़ अंदाज में 25 रन 8 गेंदों पर बना डाले। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए फिर की गेंदबाज महेश ने 25 रन के स्कोर पर ईशान किशन को LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए और एक बार फिर से विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। 7वें ओवर में करुणारत्ने ने विराट कोहली को 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, तो वहीं श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा ने पारी को संभाल लिया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभालते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस बीच 15 ओवर में रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक 55 गेंदों पर पूरा किया, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने 25 ओवर में अपना अर्धशतक 60 गेंदों पर पूरा कर लिया। इस बीच रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक 100 गेंदों पर 26 ओवर में पूरा किया, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी शतक के करीब पहुंचने लगे। इस बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए वानिंदु हंसारंगा ने बल्लेबाज रोहित शर्मा को 107 रन के स्कोर पर फिरकी में फंसाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। इसी बीच सूर्य कुमार यादव का बल्ला आज एक बार फिर से नहीं बोला और सूर्य को मात्र 25 रन बनाने के बाद करुणारत्ने ने 40 ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए, तो दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर ने अपना शतक पूरा कर लिया। इसी में शतक पूरा करने के बाद अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर को वानिंदु हंसारंगा ने 108 रन बनाने के बाद LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने टीम को संभाल लिया, जहां पर हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक ताबड़तोड़ अंदाज में 45 ओवर में पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ से अक्षर पटेल भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन रेट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच मुकाबला तब जाकर रोमांचक हो गया जब जीत के लिए 3 ओवर में 28 रन की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में विरोधी टीम के गेंदबाजों ने 2 में मात्र 10 रन दिए। इसके बाद अंतिम ओवर में जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में बल्लेबाजी पर अक्षर पटेल मौजूद थे और गेंदबाजी करने आए कप्तान दासून शनका ने पहली गेंद पर अक्षर पटेल को 28 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद पूरा दबाव हार्दिक पांड्या पर सिंगल देकर आ गया। ऐसे में 4 गेंदों पर 17 रन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके लगा दिए। इस बीच जब 2 गेंदों पर 9 रन की आवश्यकता पड़ी, तो गेंदबाज दासून शनकर ने हार्दिक पांड्या को परेशान किया और अगली गेंद पर किस्मत के सहारे हार्दिक पांड्या को 4 रन मिल गए। ऐसे में अंतिम गेंद पर जब 5 रन की आवश्यकता पड़ी, तो हार्दिक पांड्या ने आगे बढ़कर दासून शनका की यॉर्कर गेंद को फुल टॉस बनाकर छक्के में तब्दील कर दिया और इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने 72 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम को अभ्यास मुकाबले में जीत दिलाई, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट खुश हुआ और अंतिम मुकाबले में जीत की उम्मीद करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अंतिम मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।